सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसीता हमारा। आज मैंने अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी उत्सव को लेकर धूम मची हुई है। आज के दिन गणेश भक्त गणेश जी को अपने घर लाते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। यह दिन हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। गणेश जी के भक्त पूरे 10 दिन गणेश जी को अपने घर रखते हैं और आखिरी दिन विधि विधान के साथ उनकी पूजा होती है और फिर विसर्जन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गणेश पूजा सिर्फ हिंदुस्तान में ही किया जाता है। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि भगवान गणपति का पूजा मुस्लिम देश पाकिस्तान में भी धूमधाम से होता है और सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम लोग भी गणेश जी को तहे दिल से मानते हैं और उनका पूजन करते हैं। मैं आपको यह रहस्य बताऊंगा कि आखिर मुस्लिम समाज भी क्यों होता है गणेश जी के सामने नतमस्तक। लेकिन तब तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक अपार्टमेंट देव आनंद संदिकर नाम के एक व्यक्ति का है, जो पाकिस्तान की महाराष्ट्र पंचायत के मुखिया हैं। अपार्टमेंट में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। रंग बिरंगी साड़ियों और सोने के गहने पहने ये महिलाएं जमीन पर बैठकर मोदक बना रही हैं। ये मोदक उनके सबसे प्रिय त्यौहार गणेश चतुर्थी के लिए तैयार किया गया है। देव आनंद की पत्नी मलका कहती हैं, भगवान गणेश के भोग के लिए हम लोगों ने कई पकवान बनाए हैं पर मोदक उनका सबसे प्रिय है। देवानंद की पत्नी मलका ने घर को बेहद खूबसूरती से सजाया है। एक खास खुशबू से लोगों का स्वागत किया जा रहा है। त्योहार के पहले देवानंद थोड़े परेशान थे। कुछ साल पहले तक वो भगवान गणेश की मूर्ति दुबई के रास्ते भारत से मंगवाते थे। वो कहते हैं, मूर्ति हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है, यह त्योहार भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी खूबसूरत से खूबसूरत मूर्ति मंगवाई जाए। हालांकि आसपास भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन इन मूर्तियों की फिनिशिंग वैसी नहीं होती जैसी भारत की होती है। इस साल समय पर मूर्ति भारत से पाकिस्तान नहीं पहुंच पाई। देवानंद ने फिर दुबई में रहने वाले अपने भाई को अपनी परेशानी बताई। उनका भाई गणेश जी की मूर्ति लेकर खुद दुबई से पाकिस्तान पहुंचा। मूर्ति के पहुंचने के बाद विधि विधान से पूजा की शुरुआत हुई। भगवान गणेश पर मोदक और मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए गए। इसके बाद समुदाय के लोग मूर्ति लेकर नाचते गाते कराची के रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। वहां मूर्ति की विधिवत स्थापना हुई। रत्नेश्वर महादेव मंदिर पाकिस्तान के क्लिफ्टन इलाके में समुद्र के किनारे स्थित है। मान्यता है कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। गणेश चतुर्थी के दौरान मुख्य कार्यक्रम का आयोजन इसी मंदिर में होता है। वहां करीब 500 की संख्या में मराठी लोग जुटते हैं। मराठाओं के अलावा दूसरे हिंदू समुदाय के लोग भी जश्न में शामिल होते हैं। कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, किसी तरह की रोक टोक नहीं होती है। मंदिर के एक बड़े हॉल में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। यहाँ के हॉल को भी खूबसूरती से सजाया गया है, जहाँ शाम को सैकड़ों लोग जुटते हैं। मंदिर के पुजारी महाराज रवि रमेश गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। उन पर कई तरह के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। उनके दूध और शहद से अभिषेक किया जाता है। महाराज रवि रमेश कहते हैं कि हम हर साल इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। पूरे सिंध प्रांत से लोग यहाँ आते हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं सभी एक एक कर गणेश की पूजा करते हैं। रात भर यह चलता ही रहता है। अगले दिन शाम एक बार फिर यहाँ लोगों का जुटान होता है और गणेश जी की मूर्ति को सभी मिलकर अरब सागर में विसर्जित करते हैं। इस दौरान जयकारे लगाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, लोग नाचते हैं और मूर्ति विसर्जन के बाद यह त्यौहार खत्म हो जाता है और फिर अगले साल शुरू होता है। यह खबर तो पाकिस्तान की है, लेकिन दोस्तों हमारे देश के अलीगढ़ निवासी रूबी आसिफा खान ने गणेश चतुर्थी पर विधि विधान से परिवार के सभी सदस्यों के साथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की। हर रोज सुबह शाम आरती होता है और भोग लगाया जाता है। गणेश जी की प्रतिमा स्थापना के समय की वीडियो और तस्वीर वायरल हो गई, जिसे देख मौलानाओं ने उन पर फतवा जारी कर दिया। सहारनपुर के मौलाना ने कहा, इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा सिखाता है और कोई इसकी खिलाफत करता है तो अपने मजहब के खिलाफ जाता है, इसलिए वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मजहब के खिलाफ करने का होता है।
भगवान गणेश के पूजा अर्चना के बाद लगातार रूबी को मुस्लिम समाज के लोगों का विरोध सहना पड़ रहा है। अब उनके घर के बाहर विवादित पोस्टर चिपका दिया गया है, जिसमें उन्हें उनके परिवार के साथ जिंदा जलाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसमें रूबी की फोटो लगी है जिसमें वह गणेश पूजन करती नजर आ रही हैं। इसके साथ लिखा गया है, रूबी आसिफ खान काफिर बन गई है, यह पूजा करती है, हवन करती है, वंदे मातरम कहती है, इसे इस्लाम से खारिज कर दो, परिवार समेत जिंदा जला दो। वहीं रूबी खान का कहना है कि मैं कट्टरपंथियों से बिल्कुल नहीं डरने वाली हूँ। रूबी आसिफ खान ने मौलाना को जिहादी मानसिकता का बताया है और उन्होंने कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है यह मैं तय करूंगी। कोई मौलाना या पादरी मेरे मजहब या निजी जीवन के बारे में निर्णय नहीं ले सकता। ईश्वर सबके होते हैं और मैं उनकी पूजा करती ही रहूंगी, मैं किसी से नहीं डरने वाली। तो दोस्तों, यह है हिंदुस्तान की असली शेरनी जिसने कट्टरपंथी मौलाना के मुंह पर तगड़ा तमाचा जड़ा है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश जरूर लिखते हैं।